वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि भारत और डोमिनिकन गणराज्य ने सेंटो डोमिंगो में डोमिनिकन गणराज्य के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर मंगलवार को सेंटो डोमिंगो में डोमिनिकन गणराज्य के विदेश मंत्रालय में हस्ताक्षर किए गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा, प्रोटोकॉल पर डोमिनिकन गणराज्य के विदेश मामलों के मंत्री महामहिम रोबर्टो अल्वारेज और वाणिज्य विभाग की ओर से डोमिनिकन गणराज्य में भारत के राजदूत रामो अब्बागानी ने हस्ताक्षर किए। इस 24 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जेटको की स्थापना के लिए उक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 25 वर्षों के भीतर हस्ताक्षरित यह समझौता मौजूदा आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को और ऊपर उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रोटोकॉल की तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण कार्यों और क्षमता निर्माण का उपयोग करके व्यापार, सेवाओं, औद्योगिक प्रौद्योगिकियों और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने और विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इसमें कहा गया है, यह व्यापार और उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने और दोनों देशों के बीच ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण होगा। विशेष रूप से भारत मुख्य रूप से डोमिनिकन गणराज्य से सोना आयात करता है और उन्हें फार्मास्यूटिकल्स, समुद्री उत्पाद, मोटर वाहन, दुपहिया और तिपहिया वाहन आदि निर्यात करता है। भारत डोमिनिकन गणराज्य जेटको की पहली बैठक जल्द ही होने की उम्मीद है। अब ऐसे में ये देखना होगा दोनों देशों के बीच ये बैठक कितनी कारगर होगी और इस बैठक के बाद कितने बदलाव दोनों के बीच आने वाले हैं। आर्थिक रूप से देखा जाए तो यह कई मायनों में बहुत अहम बैठक हो सकती है, जिसमें समुद्री उत्पाद, मोटर वाहन, दुपहिया और तिपहिया वाहन आदि निर्यात होते हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक सुधरेगी। वहीं प्रोटोकॉल की बात की जाए तो प्रोटोकॉल में तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण का उपयोग करके व्यापार, सेवाओं, औद्योगिक प्रौद्योगिक और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने और विकसित करने की भी परिकल्पना की गई है। देश और दुनिया की बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी.com। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त।